अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आईकॉम पार्ट वन की बुक चैप्टर नंबर टू है कंज्यूमर्स डिमांड थ्योरी, इसको हमने आज से पढ़ना शुरू करना है। इसके चैप्टर के जो कंटेंट हैं, सब्जेक्ट मैटर जो मैं आपको लास्ट टाइम समझा रहा था कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर ये होता है कि चैप्टर का नाम है कंज्यूमर डिमांड थ्योरी और उसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो कंटेंट है, उसको सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये इस चैप्टर का सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। अच्छा, कंज्यूमर डिमांड थ्योरी है, इसको मैं दो वीडियोस के अंदर कंप्लीट कर दूंगा और आज ही इसकी वीडियोस आपको दोनों मिल जाएंगी। पहली वीडियो के अंदर मैं यूटिलिटी से स्टार्ट करूँगा और डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी कम्प्लीट कर दूँगा और उसके बाद कोशिश करूँगा कि इसको एक वीडियो में कम्प्लीट कर दूँ, नहीं तो दो भी हो सकती हैं। अच्छा, आए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले यूटिलिटी की डेफिनेशन को देखते हैं हम, इसको मैं 100 पे ले आता हूँ। यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या है? यूटिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को इस्तेमाल करने से, किसी शय को इस्तेमाल करने से जो फायदा होता है ना, उसको यूटिलिटी कहते हैं। आए पढ़ते हैं डेफिनेशन है इसकी। द पावर आर एबिलिटी ऑफ अ गुड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट इज कॉल्ड यूटिलिटी। किसी भी चीज़ की, किसी भी शय की अंदर जो खूबी या जो ताकत होती है इंसान की ज़रूरियात को पूरा करने की, उसको यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के अंदर कहता है कि वाटर हैज़ अ पावर टू सेटिस्फाई थर्स्ट। जो पानी है उसके अंदर प्यास बुझाने की खूबी होती है, ताकत होती है, कुवत होती है, ठीक है। इसी तरह आगे वो ब्रेड की बात करता है कि जो रोटी होती है, रोटी के अंदर जो हमारी भूख होती है उसको मिटाने की, उसको ख़त्म करने की ताकत होती है। बल्ब जो है वो रोशनी देता है, जो पेन है उसे लिखा जाता है। इन दिस वे, इस तरह ऑल कमोडिटीज़ सेटिस्फाई आर वांट्स इन वन आर अदर वे। इस तरह तमाम जितनी भी चीज़ें हैं उनके अंदर ऐसी खूबी या ऐसी ताकत होती है जिससे इंसान की ज़रूरियात पूरी होती हैं, ठीक है। हर चीज़ है, जैसे रोटी है उसने भूख ख़त्म कर दी, पेन है उसने लिखने का काम दे दिया, मोटरसाइकिल है उसने हमें चलने में मदद दे दी, पेट्रोल है उसने मोटरसाइकिल को चलने में मदद दे दी। जो भी कमोडिटी है उसके अंदर एक फ़ायदा है, उस फ़ायदे से इंसान अपनी जो है ना वो ज़रूरियात को पूरा करता है, इसको यूटिलिटी कहते हैं। कि हर उसने एंड पे लिख दिया कि जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उन सब के अंदर कोई ना कोई यूटिलिटी है। उसके बाद वो कहता है कि यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस के इस पैरे के अंदर इसने बताया हुआ है कि जो यूटिलिटी होती है वो हर चीज़ की होती है। यूटिलिटी बुरी भी हो सकती है, यूटिलिटी अच्छी भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे रोटी की जो यूटिलिटी है वो है भूख मिटाना, अच्छी बात है, भूख लगी है तो भूख का मिटना चाहिए, भूख का ख़त्म होना चाहिए, रोटी खा के, कुछ भी खा के, फ्रूट खा के, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं वो शराब पीते हैं, चर्स पीते हैं, ठीक है, फ्यून हिरन यूज़ करते हैं, नशा यूज़ करते हैं, ठीक है, जितने भी नशा है तो नशा के यूज़ करने से भी उनकी जो है ना वो उनको यूटिलिटी मिलती है, उन चीज़ों की भी यूटिलिटी है, लेकिन वो यूज़फुलनेस नहीं है, ठीक है। यानी कि वो इसके अंदर उसने, अगर आप लास्ट लाइन पढ़ते हो ना, ये बियर हैज़ यूटिलिटी फॉर अ ड्रंकेट, कि जो शराब है उसके अंदर शराबी के लिए जो है वो यूटिलिटी है। अब आप लास्ट लाइन पढ़ते हो उसमें उसने लिखा है सो वी कैन से डैट यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस आर लाइक टू पोल्स, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। एक यूटिलिटी एक तरफ है और यूज़फुलनेस जो है ना वो दूसरी तरफ है, इनका आपस में कोई कंपेरिजन ही नहीं है। यूटिलिटी जो है वो हर चीज़ की है, ठीक है, और जो यूज़फुलनेस है वो अच्छी चीज़ों की होगी, वो बुरी चीज़ों की उनका, यानी कि यूज़फुलनेस का मतलब मुफीद होना, फ़ायदा होना। तो अच्छी चीज़ों का तो फ़ायदा है, बुरी चीज़ों का फ़ायदा नहीं है ये, लेकिन यूटिलिटी अच्छी चीज़ों की भी है और बुरी चीज़ों की भी है, इसके अंदर उसने ये बात की है, ठीक है। आगे आ जाएं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ यूटिलिटी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ यूटिलिटी का मतलब है कि ऐसे कौन से अवामिल हैं जिनसे मिल के यूटिलिटी बनती है, यूटिलिटी के ऐसे कौन से अवामिल हैं जिनके ज़रिए यूटिलिटी बनती है। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है उसके पार्ट्स, उसके पहलू, उसकी चीज़ें, ठीक है, किन किन चीज़ों से मिलके वो बनती है, कौन से अवामिल हैं, इस डिटर्मिनेंट्स का मतलब ये होता है, ठीक है। सबसे पहले वो कहता है यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन सेवरल डिटर्मिनेंट्स, दे आर एज फॉलोज। इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट किसी भी चीज़ की शिद्दत, ठीक है, किसी ज़रूरत की शिद्दत,
किसी ज़रूरत की शिद्दत होगी ना तो वो यूटिलिटी को बढ़ा देगी। पढ़ते हैं इसको क्या कहता है। यूटिलिटी इज नॉट द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी कमोडिटी, रैदर इट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन डिज़ायर। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि यूटिलिटी इज नॉट द इंडिविजुअल, ठीक है, ये अकेला कोई, ये अकेला कुछ भी नहीं है ऑफ एनी थिंग, रैदर इट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन डिज़ायर, जब तक ह्यूमन की डिज़ायर नहीं होगी। अब मिसाल के तौर पे देखें, किसी इंसान को भूख लगी है, ठीक है, भूख लगी है, रोटी खाना उसकी डिज़ायर है, कि उसकी ख्वाहिश है कि मैं इसको खा लूँ, ठीक है। जब तक वो ख्वाहिश ज़्यादा नहीं होएगी तब तक यूटिलिटी जो है ना वो खुद कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि वो इज़ नॉट नॉट द इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक, वो खुद से कुछ नहीं है, ठीक है। इंसान की जो ख्वाहिश है ना चीज़ों की, वो उसको ज़्यादा उसकी यूटिलिटी को बढ़ा देती है। आगे चलें ज़रा, द मोर इंटेंस द डिज़ायर, जितनी ज़्यादा ख्वाहिश होगी ऑफ अ मैन इंसान की फॉर द कम्युनिटी, किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए इंसान की जितनी ज़्यादा ख्वाहिश होगी द मोर यूटिलिटी इट विल हैव फॉर हिम, उसकी यूटिलिटी उसके लिए उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। आगे यूटिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी डिक्रीज ड्यू टू द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ अ डिज़ायर, ठीक है। अगर किसी चीज़ के लिए इंसान की शिद्दत कम होगी तो उस चीज़ की यूटिलिटी भी कम हो जाएगी। इसका इसकी मिसाल एंड पे पड़े ज़रा, मिसाल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ मैन डज नॉट वॉन्ट टू ईट मैंगो, अगर एक इंसान आम को नहीं खाना चाहता, मैंगो विल हैव नो यूटिलिटी फॉर हिम, तो उस इंसान के लिए उसकी यूटिलिटी कुछ भी नहीं है। अब दूसरा बंदा है वो मैंगो को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो उसके लिए उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये उसने बात की है कि अगर इंसान को ख्वाहिश होगी किसी चीज़ की, उसके लिए उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी, किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं होगी उसके लिए उसकी यूटिलिटी कम होगी। आगे चलते हैं, आगे वो बात करता है वेदर की। वेदर के अंदर ये होता है, अब ये देखें, इसने यहाँ पे सर्दियों की बात की है। सर्दियों के अंदर जो मोटे कपड़े होते हैं उनकी यूटिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, और गर्मियों के अंदर जो मोटे कपड़े होते हैं उनकी यूटिलिटी बिल्कुल नहीं होती। इसी तरह सर्दियों में, गर्मियों में जो है वो ब्रीक कपड़ों की यूटिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, और मोटे कपड़ों की यूटिलिटी नहीं होती। तो जो यूटिलिटी होती है ना वो मौसम के हिसाब से भी चेंज हो रही होती है। मिसाल के तौर पर चाय जो है वो सर्दी में ज़्यादा पी जाती है, तो चाय की यूटिलिटी सर्दियों में ज़्यादा है और गर्मियों में यूटिलिटी कम होगी। यानी कि किसी चीज़ की यूटिलिटी जो है ना वो मौसम पे भी डिपेंड कर रही है। इधर इन्होंने गैस की बात की है, मेरा ख्याल है इन्होंने बात की है, अच्छा, वुलन क्लॉथ्स, ठीक है, रूम हीटर्स, ठीक है, ब्लैंकेट्स, कंबल, ईटीसी है, मच यूटिलिटी इन विंटर, सर्दियों में उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, बट दे हैव यूटिलिटी इन समर, सर्दियों में कम। ऑन द कंट्रेरी आइस फैंस, ठीक है, फ्रीजर्स हैव ग्रेट यूटिलिटी इन द समर सीजन, ठीक है, फ्रिजों की, पखों की गर्मियों में ज़्यादा यूटिलिटी होती है। यानी कि इसमें इसका मतलब बस ये है कि मौसम जो है ना वो भी यूटिलिटी को अफेक्ट कर रहा होता है। आ जाएँ आगे, आ जाएँ, अच्छा चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो अभी रही है कि नहीं हो रही, यूँ ही मैं बोलता हूँ वही। अच्छा, उसके बाद वो कहता है चेंज इन शेप। चेंज इन शेप का क्या मतलब है? चेंज इन शेप का मतलब ये है कि एक दरख्त था, ठीक है, उस दरख्त पे उसमें लकड़ी भी थी, उस दरख्त की वहाँ पे यूटिलिटी सिर्फ इतनी थी कि वो साया दे रहा है, ठीक है, या मौसम के लिए अच्छा है। लेकिन दरख्त की लकड़ी को काट के उसका फर्नीचर बना के उसका बेड बना दिया गया, तो उस लकड़ी की यूटिलिटी बढ़ गई। तो इसलिए वो कह रहा है कि चेंज इन शेप, उसने टिम्बर की बात की, टिम्बर लकड़ी है, ठीक है, टिम्बर एज अ यूटिलिटी, बट इट इज़ चेंज इन टू फर्नीचर, जब उसका फर्नीचर बन जाता है तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा हो जाती है, इट्स यूटिलिटी इंक्रीज मैनी टाइम्स, बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो जाती है यूटिलिटी। तो किसी चीज़ की शेप को चेंज करके भी उसकी यूटिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। चेंज इन प्लेस, चेंज इन प्लेस को देखते हैं कि चेंज इन प्लेस के साथ यूटिलिटी कैसे बढ़ती है। चेंज इन प्लेस से यूटिलिटी ऐसे बढ़ती है कि जंगल के अंदर जो है ना वो कोई जड़ी बूटियाँ हैं, उन जड़ी बूटियों से कैंसर का इलाज हो सकता है, तो वो जो जड़ी बूटियाँ हैं वो जंगल में हैं, तो जंगल में तो उनकी कोई यूटिलिटी नहीं है, उनका कोई फ़ायदा ही नहीं है वहाँ पे। अगर मैं उन जड़ी बूटियों को तोड़ के उनको शहर में लेके आऊँगा और उनको उनकी मेडिसिन बना लूँगा, तो उन जड़ी बूटियों की जो यूटिलिटी है वो बढ़ जाएगी। यानी कि उनकी जगह को चेंज किया, जंगल से जड़ी बूटियों को मैं ले आया शहर में, यही बात उसने यहाँ पर की है। यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस विद द चेंज
इन इट्स प्लेस, ठीक है, उसकी जगह को चेंज करने से उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मसलन वेरियस काइंड ऑफ हर्ब्स, ठीक है, यानी कि जड़ी बूटियाँ ग्रोज ऑन हिल्स, पहाड़ों पे चट्टानों पे उगती हैं एंड दे हैव नो यूटिलिटी, उनकी कोई यूटिलिटी, बट व्हेन दे आर ब्रॉड टू सिटीज, जब उनको शहरों में लिया जाता है देर यूटिलिटी इंक्रीज, उनकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये जड़ी बूटियाँ, ये और भी बड़ी मिसालें हो सकती हैं इसके अलावा, ठीक है, मिसाल ये भी हो सकती है कि एक शेर है वो जंगल में है, ठीक है, उसकी वहाँ पे यूटिलिटी कम है, उसको पकड़ के हम चिड़ियाघर में ले आए हैं, यहाँ पे उसको ज़्यादा लोग देखने आ रहे हैं और कमाई भी हो रही है लोगों की, उसकी यूटिलिटी बढ़ गई। ठीक है, और भी बड़ी मिसालें हो सकती हैं, मछली की मिसाल हो सकती है, मछली जो है वो समंदर में है, ठीक है, उसकी वहाँ पर यूटिलिटी कुछ नहीं है हमारे लिए, अगर उसको हमने पकड़ के शहर में ले आए हैं खाने के लिए तो उसकी यूटिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, उस कम्युनिटी की यूटिलिटी यानी कि मछली की यूटिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, अच्छा, डिफरेंट यूजेस, डिफरेंट यूजेस को देखते हैं, डिफरेंट यूजेस में इसने क्या कहा है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ पहले। अच्छा, सम कम्युनिटीज हैव वेरियस यूजेस, उनके काफ़ी सारे इस्तेमाल होते हैं कम्युनिटीज़ के, इफ़ द यूज़ इज़ लेस इंपॉर्टेंट देयर यूटिलिटी डिक्रीज, अगर किसी के लिए उसका इस्तेमाल ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी, बट इफ़ देयर यूज़ इज़ मोर इंपॉर्टेंट, अगर उसका इस्तेमाल ज़रूरी है द यूटिलिटी विल इंक्रीज, उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी, अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी, किसी इस्तेमाल का जो है ना वो इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है तो उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, नेचुरल गैस इज़ यूज इन हाउसेज एज अ फ्यूल, इट इज़ आल्सो यूज इन फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज में भी इस्तेमाल होती है और घरों में भी इस्तेमाल होती है गैस। ठीक है, इन डोमेस्टिक यूज इट हैज़ लेस यूटिलिटी, घरों में इसका कम इस्तेमाल है लेकिन फैक्ट्रियों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है क्योंकि फैक्ट्रियों के अंदर इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा और भी मिसालें हो सकती हैं, अब मिसाल ये हो सकती है, मेडिसिन की मिसाल हो सकती है कि एक बंदे को कोई बीमारी है तो उसके लिए दूसरी मेडिसिन जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जबकि जो उसको ख़ास बीमारी है उसकी मेडिसिन उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं, अब आप, मैंने आपको इसका एक कॉन्सेप्ट बता दिया, अब आप खुद सोचें कि क्या क्या मिसालें इसकी हो सकती हैं डिफरेंट यूजेज़ की। ठीक है, डिफरेंट यूजेज ये भी हो सकता है कि बैट बैट है, ठीक है, उससे खेला जाता है, क्रिकेट खेली जाती है, और आम घरों में हमारी जो माए बहने हैं वो उसे कपड़े भी धोती हैं तो वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं खेलने के लिए और इधर इस्तेमाल हो रहा है कपड़े धोने के लिए, तो डिफरेंट यूजेज हो सकते हैं। अब आप खुद सोचें बैठ के कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके डिफरेंट यूजेज हैं, कोई क्या इस्तेमाल कर रहा है तो कोई क्या इस्तेमाल कर रहा है, जिसके लिए वो इस्तेमाल उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा जो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट खेली है, इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, यूटिलिटी कम होगी। अच्छा, नॉलेज ऑफ यूजेज ऑफ गुड्स, कि चीज़ों को इस्तेमाल करने का इलम, अगर चीज़ों को इस्तेमाल करना हो करना आता होगा तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी, अगर चीज़ों को इस्तेमाल करना नहीं आता होगा तो उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी। विद द इंक्रीज इन द नॉलेज ऑफ मैन, इंसान के इलम में इजाफे के साथ, मेथड ऑफ बेटर यूज़ ऑफ कम्युनिटीज आर डिस्कवर्ड, चीज़ों को ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल करने के जो चीज़ें थी वो डिस्कवर हुई, सो देयर यूटिलिटी इंक्रीज, तो उनकी यूटिलिटी बढ़ गई। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल में क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल इन द पास्ट मैन वॉज नॉट अवेयर टू द यूजफुलनेस ऑफ अ नेचुरल गैस, ठीक है, इससे पहले वो कहता है कि लोग जो नेचुरल गैस थी वो मौजूद थी ज़मीन में लेकिन लोगों को नहीं पता था ना उसको कैसे इस्तेमाल करना है, थी वो ज़रूर कहीं ना कहीं पड़ी हुई थी। डिस्कवर का मतलब, डिस्कवर्ड का लफ्ज़ यूज़ किया, डिस्कवर्ड का मतलब होता है कि पहले से चीज़ मौजूद थी, उसको डिस्कवर किया है, उसको ढूंढा गया है, दो वर्ड होते हैं, एक इन्वेंटेड होता है, इन्वेंटेड का मतलब होता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती, उसको बनाया जाता है, उसको इन्वेंट किया जाता है, जैसे कंप्यूटर है, ये पहले से कहीं कहीं ज़मीन में तो नहीं पड़ा हुआ था ना, इसको इन्वेंट किया गया है। डिस्कवर का मतलब होता है कि कोई चीज़ थी पहले से लेकिन उसको ढूंढा गया, तो सुई गैस का वो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है। फॉर एग्जांपल इन द पास्ट मैन वाज नॉट अवेयर ऑफ द यूजफुलनेस ऑफ नेचुरल गैस, उसके नेचुरल गैस के फ़वाद से वो ज़्यादा अवेयर नहीं था, ओइंग टू साइंटिफिक प्रोग्रेस, ठीक है, ही डिस्कवर्ड न्यू यूजेज ऑफ इट, उसने इसके मजीद इस्तेमाल ने, ठीक है, थस दीज यूजेज इंक्रीज, इसकी जो है ना वो यूटिलिटी भी बढ़ गई है। ठीक है, सुई गैस जो है ना उससे अब घरों में हांडी भी पकती है, उससे फैक्ट्रियां भी चलती हैं, उससे बिजली भी बनती है, ठीक है, उसके अब पता नहीं उससे गाड़ियां भी चलना शुरू हो जानी है, उससे पता नहीं क्या क्या उसके यूजेज बढ़ते जा रहे हैं टाइम गुजरने के साथ साथ। ठीक है, तो उसका उसकी यूटिलिटी भी बढ़ती जा रही है नेचुरल गैस की। चेंज इन पोजेशन, चेंज इन पोजेशन में पोजेशन का मतलब होता है कि ओनरशिप चेंज होने के साथ, ठीक है, पहले कोई और मालिक था, बाद में कोई और मालिक बन गया है किसी कमोडिटी का,
आए पढ़ते हैं इसमें वो क्या कहता है। अ चेंज इन ऑनरशिप आल्सो कॉजेज अ चेंज इन यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी। ठीक है, किसी चीज़ की मलकियत चेंज होने से भी उसकी यूटिलिटी में फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, बुक ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ लेस यूटिलिटी फॉर अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। एक स्टूडेंट है वो मैट्रिक साइंस में कर रहा है, ठीक है, तो उसने 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 जो आर्ट्स की किताबें हैं वो क्या करनी है, उसके लिए आर्ट्स की किताबों की यूटिलिटी नहीं है। लेकिन अगर अगर वो आर्ट्स की किताबें मैं आर्ट्स के स्टूडेंट को दे दूंगा, ठीक है, उसकी उसकी मलकियत को चेंज कर दूंगा राइट पर्सन के लिए, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी उस किताब की। यही बात उसने की है, ठीक है। वो कहता है बुक ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ लेस यूटिलिटी फॉर अ स्टूडेंट ऑफ साइंस बट इट हैज़ मच यूटिलिटी फॉर द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर वही किताब मैं इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को दे दूंगा इकोनॉमिक्स की साइंस के स्टूडेंट की बजाय, तो उसे इकोनॉमिक्स की किताब की यूटिलिटी बढ़ जाएगी इकोनॉमिक के स्टूडेंट के पास जाके। तो यही बात उसने की। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाए एस्पेक्ट्स एस्पेक्ट्स ऑफ यूटिलिटी। एस्पेक्ट्स का मतलब होता है कि कैसे ये बनता है, इसकी शेप। मसलन के एस्पेक्ट्स का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ, एस्पेक्ट्स का मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स कि ये कैसे बना है। पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, इस तरह ये पार्ट्स को मिला के एक चीज़ बना दी है, ठीक है। ये मतलब होता है एस्पेक्ट्स का, ठीक है। वो कहता है कि एस्पेक्ट्स ऑफ यूटिलिटी, कि यूटिलिटी कैसे बनती है, किन अवामल से बनती है, किन पहलुओं से बनती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूटिलिटी को बढ़ाती हैं, ठीक है, ये इसका मतलब है। मलकियत में तब्दीली हो गया, ठीक है, इसके पहलू हैं, ठीक है, इसकी इसके पार्ट्स हैं। अच्छा, सबसे पहले वो कहता है इनिशियल यूटिलिटी, ठीक है। इनिशियल यूटिलिटी क्या होती है, इब्तदाई यूटिलिटी, सबसे पहली यूटिलिटी, ठीक है। यहाँ ये कहाँ शुरू होती है, इब्तदाई फ़ायदा क्या है, इब्तदाई जो है वो क्या है, ये इनिशियल यूटिलिटी क्या है, आए इसको पढ़ते हैं। यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड इज नाउन एज इनिशियल यूटिलिटी। फ़र्ज़ करें मुझे प्यास लगी थी, पानी का जो मैंने पहला ग्लास पिया है वो मेरे लिए इनिशियल यूटिलिटी है, ठीक है। फ़र्ज़ करें मुझे भूख लगी थी, जो मैंने पहली रोटी खाई है, ठीक है, वो मेरे लिए इनिशियल यूटिलिटी है। फ़र्ज़ करें मेरा फ्रूट खाने को दिल कर रहा था, जो मैंने सबसे पहला एप्पल खाया, वो जो फर्स्ट एप्पल है वो मेरे लिए इनिशियल यूटिलिटी है। तो इनिशियल यूटिलिटी का मतलब ये है कि कमोडिटी का जो किसी कमोडिटी का जब हम यूज़ करते हैं और जो उसका फर्स्ट जो उसका सबसे पहला इब्तदाई इकाई को हम इस्तेमाल करते हैं उसको इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं। इनिशियल यूटिलिटी से अब हम चलते हैं टोटल यूटिलिटी। चलें टोटल यूटिलिटी। अच्छा, यूटिलिटी विच इज़ अटेंड फ्रॉम द यूज़ ऑफ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ अ यूनिट्स कमोडिटी इज कॉल्ड टोटल यूनिट, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी विच इज़ अटेंड, जो हासिल की जाती है फ्रॉम द यूज़ ऑफ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, जो कि एक ख़ास जो कमोडिटी है, ठीक है, उसके जो यूनिट्स हम टोटल यूनिट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको टोटल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। आपको अभी मैं एग्जांपल से जब समझाऊंगा फिर आपको समझ आ जाएगी। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ सेपरेट यूटिलिटी विच इज अटेंड फ्रॉम एवरी यूनिट, ठीक है। टोटल यूटिलिटी वो यूटिलिटी है जो हम हर एक सेपरेट यूनिट को इस्तेमाल करने से जो यूटिलिटी हमें मिलती है ना, उसको जब हम टोटल करते हैं उसको टोटल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ अ मैन ईट्स टू मैंगोज, फ़र्ज़ करें कि एक इंसान है, ठीक है, एक आदमी है, उसने दो जो आम हैं वो खाए हैं, तो जब उसने पहला आम खाया तो उसको उसने जब पहला आम खाया तो उसको 6 यूटिलिटी मिली, और जब उसने दूसरा खाया तो उसको 4 यूटिलिटी मिली, ठीक है। 6 और 4, उसने दो ही आम खाए हैं, ठीक है। पहले आम खाने से उसको 6 यूटिलिटी मिली है और दूसरा आम खाने से उसको 4 यूटिलिटी मिली है। इसने यहाँ पे ये कहा है, अब इस डेफिनेशन को देखें, यूटिलिटी विच इज़ अटेंड, यूटिलिटी विच इज़ अटेंड, जो हासिल की जाती है फ्राम द यूज़ इस्तेमाल करने से ऑफ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ द यूनिट्स, स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स को, यूनिट्स एक है और दो है, ठीक है। यूटिलिटी
यूटिलिटी जो मिलेगी मुझे इस कमोडिटी के दो यूनिट यूनिट को इस्तेमाल करने से, ठीक है, इज कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी। ठीक है, इसको 6 को जमा 4 को जब मैं जमा करूँगा तो ये 6 जमा 4 टोटल 10 यूटिलिटी मुझे मिली है इस कमोडिटी मैंगो के दो यूनिट्स को इस्तेमाल करने पे, इसी को टोटल यूटिलिटी कहते हैं। आई होप कि आपको ये अब क्लियर हो गया होगा कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है। टोटल यूटिलिटी के बाद आए हम देखते हैं मार्जिन यूटिलिटी, के मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है। मार्जिन यूटिलिटी मैं आपको बताता हूँ कि मार्जिन यूटिलिटी में क्या है। यूटिलिटी ऑफ द लास्ट यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी कंज्यूम्ड, जो कॉमोडिटी हमने इस्तेमाल किया है, कंज्यूम किया है, उसका जो लास्ट यूनिट मैंने इस्तेमाल किया है ना, ठीक है, या ये, और या फिर यूटिलिटी ऑफ एन एडिशनल यूनिट, जो मैंने एक एडिशनल यूनिट इस्तेमाल किया है उसके इस्तेमाल करने से जो मुझे यूटिलिटी मिली है उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, सेपरेट यूटिलिटी ऑफ एवरी यूनिट इज आल्सो कॉल्ड मार्जिन यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी ये आपको मैं अब समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के जरिए। ये सारी याद, ये जेहन में रख लें, इनिशियल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, पॉजिटिव यूटिलिटी, जीरो यूटिलिटी। ठीक है, पहले मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जीरो यूटिलिटी और नेगेटिव यूटिलिटी, ये सारी बातें याद रखें, यहाँ पे आते हैं, अभी आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। ये देखें, सबसे पहली बात मैंने की थी इनिशियल यूटिलिटी, के इब्तदाई यूटिलिटी क्या है, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। उसकी डेफिनेशन में उसने बोला था कि इनिशियल यूटिलिटी होती है कि जो भी हम कॉमोडिटी इस्तेमाल करते हैं उसकी जब पहली इकाई, उसका पहला यूनिट इस्तेमाल करते हैं ना, पहला यूनिट, उसको हम इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं। अब ये देखें, ये वो कह रहा है यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी, ये यूनिट्स हैं जो हमने कंज्यूम करने हैं, ठीक है, और इनको कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी, जो फ़ायदा मिलना है वो ये लिखा हुआ है, 6 फायदे, 10 फायदे, 12 फायदे, 12 फायदे, 10 फायदे, 6 फायदे। ठीक है, अब ये देखें, इस लाइन को आपने समझना है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। कॉमोडिटी का फर्ज कर लें, ये मैंगो है, ठीक है, पहला मैंगो कंज्यूम किया, यूटिलिटी मिली 6 और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी आई 6। ठीक है, मार्जिन यूटिलिटी का उसने बताया हुआ है कि जो लास्ट यूनिट इस्तेमाल करते हैं या जो एडिशनल यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसका जो डिफरेंस होता है ना, उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। वो डिफरेंस कैसे होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, अभी समझ आ जाएगी। ठीक है, ये पहली लाइन हो गई। ठीक है, पहला यूनिट इस्तेमाल किया, पहले यूनिट के इस्तेमाल से जो यूटिलिटी मिली वो 6 है। ठीक है, और पहले यूनिट के इस्तेमाल से जो यूटिलिटी मिलती है उसको इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं। आई थिंक इनिशियल यूटिलिटी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा अब आए, अब मैं दो यूनिट्स पे आता हूँ, दो यूनिट्स को समझिएगा। दूसरा यूनिट इस्तेमाल किया मैंने, दूसरा यूनिट इस्तेमाल करने से मुझे मज़ीद 10 यूटिलिटी मिली। ठीक है, 10 यूटिलिटी और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी आ रही है 4। मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन थी कि जो हम एडिशनल या जो लास्ट यूनिट इस्तेमाल करते हैं या जो एडिशनल इस्तेमाल करते हैं उसका जो डिफरेंस होता है ना, उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब ये देखें, 10 6 में से 10 को मैं माइनस करता हूँ ना, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 4 होएगी। एडिशनल यूनिट इस्तेमाल करने से जो यूटिलिटी ऐड हो रही है ना, उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और एक टोटल यूटिलिटी हमने पढ़ा था, तो दो यूनिट इस्तेमाल किए, पहले की 6 थी, दूसरे की 10 है, 10 को और 6 को जमा करूंगा तो 16 हमारी टोटल यूटिलिटी है, 16 हमारी होगी टोटल यूटिलिटी। ठीक है, पहले यूनिट की जो यूटिलिटी है 6 वो होगी इनिशियल यूटिलिटी। ठीक है, 6 और 10 का जो डिफरेंस है वो हमारी हो गई मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तीनों की डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉजिटिव यूटिलिटी क्या होती है। पॉजिटिव यूटिलिटी की आए पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम इसी डायग्राम पे आएंगे। ठीक है, पॉजिटिव यूटिलिटी में वो कहता है एज लॉन्ग एज टोटल यूटिलिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, एज लॉन्ग एज जैसे जैसे यूटिलिटी, जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ती जाए, और मार्जिन यूटिलिटी जो है ना वो अभी इज नॉट जीरो, और मार्जिन यूटिलिटी अभी जीरो ना हो, देन यूटिलिटी इज पॉजिटिव, तब तक जो यूटिलिटी होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी कि टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाए। ठीक है, ये देखें, यहां पहले 6 थी टोटल यूटिलिटी,
फिर 10 हो गई, 10 से फिर 12 हो गई, ठीक है, 12 से फिर 12, ठीक है, 12 के बाद 10 हो गई, 6 हो गई, यानी कि यहाँ तक जो है ना वो यूटिलिटी बढ़ती जा रही है। पहला पॉइंट पॉजिटिव यूटिलिटी में है कि टोटल यूटिलिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग, यूटिलिटी जो है वो बढ़ती जाए, ठीक है। पहला पॉइंट था एज लॉन्ग एज टोटल यूटिलिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाए और मार्जिनल यूटिलिटी अभी जीरो ना हो, अभी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो जीरो ना हो। तो ये देखें, यहां तक 6, 10, 12, यहां तक टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है और मार्जिनल यूटिलिटी अभी 2 आई, ये अभी जीरो नहीं हुई। तो यहां तक जो है ये हमारी पॉजिटिव यूटिलिटी है, ठीक है, पॉजिटिव यूटिलिटी है। जब हमारी यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग और मार्जिनल यूटिलिटी अभी जीरो नहीं हुई, तो तब तक की जो यूटिलिटी है, ये वाली जो यूटिलिटी है, इसको हम पॉजिटिव पॉजिटिव यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव के बाद जीरो यूटिलिटी है, जीरो यूटिलिटी को पढ़ लेते हैं। व्हेन डिजायर ऑफ अ गुड इज फुली सेटिस्फाइड, जब किसी एक चीज की जो ख्वाहिश है वो पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाए, कंज्यूमर हैज़ नो डिजायर टू कंज्यूम, और कंज्यूमर का अब दिल नहीं कर रहा उसको कंज्यूम करने को, फर्दर यूनिट देन द यूटिलिटी इज जीरो, तो यूटिलिटी जीरो हो जाएगी। दिस विल बी कंज्यूमर पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, ये उसका सेटिस्फैक्ट्री का पॉइंट होएगा कि वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे देखें, ये 12, ठीक है, ये भी 12 है, ठीक है, जब उसने तीसरा यूनिट इस्तेमाल किया था तब भी 12 है, चौथा यूनिट इस्तेमाल किया तब भी 12 है, ठीक है, यानी कि ये बड़ा नहीं है, ये बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी इसकी जो सेटिस्फैक्ट्री या इसकी जो यूटिलिटी थी वो 12 ही थी, 12 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अगर ज़्यादा होती 12 पे उसकी जो है ना वो भूख मिट गई है, ठीक है, मैंने खाना खाया, ठीक है, खाना खाया, उससे मुझे 6 ताकत मिली, ठीक है, फिर 10 मजीद इसको कैलरीज लगा लें आप, 6 कैलरीज मिली, 10 कैलरीज मिली, 12 कैलरीज मिली, अब मैं बिल्कुल जो है ना वो मेरी भूख ख़त्म हो गई है, अब मैं मजीद खाऊंगा तो उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो 12 का 12 ही रहेगा और मजीद मुझे उसका नुकसान ही होएगा, वो डाउन ही जाऊंगा मैं। तो यानी कि जब एक यूनिट मैंने किया, ठीक है, मजीद कंज्यूम किया, ठीक है, उसकी जो यूटिलिटी है वो 12 ही है और उसकी जो मार्जिन यूटिलिटी है, मार्जिन यूटिलिटी यानी कि 12 माइनस 12 करूंगा तो 0 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे उसकी ये पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, इसको मैं 0 यूटिलिटी कहूँगा। अब इससे जब मैं ज़्यादा 4 यूनिट से जब ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव यूटिलिटी हो जाएगी। कैसे होएगी, जब मैंने ये 5वां यूनिट इस्तेमाल किया तो ये 10 हो गया, ठीक है, 12 माइनस 10 करूँगा माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, और 12 माइनस 6 करूँगा, सॉरी 10 माइनस 6 करूँगा तो ये 4 आ जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव में चली गई है। नेगेटिव में क्या हो रहा है, नेगेटिव में ये हो रहा है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो नेगेटिव में शो होना शुरू हो गई है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन भी उसने यही लिखा है, ठीक है, व्हेन द यूटिलिटी ऑफ अ गुड इज जीरो, जब उसकी जीरो हो गई है, ये यूटिलिटी यहाँ पे जीरो हो गई है, मार्जिन यूटिलिटी जीरो हो गई है, ठीक है, बट कंज्यूमर कंज्यूम फर्दर यूनिट्स, और कंज्यूमर फिर भी जो है वो 5वां और 6वां यूनिट कंज्यूम करने को जो है वो रेडी है, तो ठीक है। फिर वो कहता है टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेज इन इन केस ऑफ नेगेटिव यूटिलिटी, तो फिर जो टोटल जो हमारी मार्जिन यूटिलिटी होगी ना वो हमारी नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, जो टोटल है वो भी नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। ये देखें, 12 से 10 में चलेगी, 10 से 6 में चली जाएगी, ये भी नेगेटिव में है और ये भी नेगेटिव में आ रही है, इनका डिफरेंस जो है वो मार्जिन यूटिलिटी वो भी माइनस में जाना शुरू हो गया है। तो ये यानी कि सारे कॉन्सेप्ट से आई थिंक कि मैंने आपको अब ये टेबल से समझा दिए हैं, तो अब आपको मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई आपको अब एम्बिगुइटी होनी चाहिए या इसमें कोई परेशानी या दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी उसने यही लिखा हुआ है, द अबव गिवन टेबल शोज द यूटिलिटी इज़ पॉजिटिव फ्रॉम 1 यूनिट टू 3rd यूनिट, ठीक है, पहले यूनिट से लेकर 30 यूनिट तक जो जो यूटिलिटी है वो पॉजिटिव है, ठीक है, वाइल यूटिलिटी ऑफ 4th यूनिट इज़ जीरो, ठीक है, जो यूटिलिटी 4th यूनिट है उसकी यूटिलिटी जो है वो जीरो है, एंड यूटिलिटी ऑफ 5th एंड 6th इज़ नेगेटिव, और 5वीं और 6वीं यूनिट की जो यूटिलिटी है वो नेगेटिव के अंदर है। आई थिंक कि अब ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको इशू नहीं होना चाहिए अब आपको। उसके बाद हम आ जाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन
टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या डिफरेंस है इसको देखते हैं। यहाँ पे हम रिलेशनशिप देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये कहता है कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी हैज़ द फॉलोइंग रिलेशनशिप, कि टोटल यूटिलिटी और मार्शल जो मार्जिन यूटिलिटी है उसका। अच्छा, पहला पहला ये कहता है एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज़ पॉजिटिव, ठीक है। जैसे जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, ठीक है, ये देखें यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज, तो जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है 6, 10, 12, ठीक है। जैसे कहता है कि ये पॉजिटिव है तो ये बढ़ती जा रही है। दूसरे पॉइंट में कहता है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है तो अब टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, तब ये मैक्सिमम है, ठीक है, तब ये टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है। इधर ये कम हो रही है और इधर इधर भी, यानी कि इससे ज़्यादा ना, इधर इससे ज़्यादा है और ना इधर इससे ज़्यादा, ये मैक्सिमम है, ठीक है। फिर वो कहता है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ नेगेटिव एंड टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। वो कहता है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होना शुरू होती है तो ये डिक्रीज, जो टोटल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होना शुरू होती है, 10 हो जाती है, 6 हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना एक यहाँ पे पिक्चर है, ये वाली डायग्राम है, ये डायग्राम मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ। और इसके नीचे ये जो सारी इंग्लिश लिखी हुई है ना, ये सारी इन्होंने इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन दी है। ये जो डायग्राम है ना, ये वाली, ये डायग्राम बेस करती है इस टेबल के ऊपर, कि इस टेबल के अंदर कैसे, उस टेबल में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है ना वो यूनिट कंज्यूम हो रहा है, कैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है और कैसे मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना वो बढ़ रही है और फिर जीरो होकर फिर वो माइनस में जा रही है। तो ये मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद जो ये वाली इसकी इंग्लिश है, वो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, उसी की एक्सप्लेनेशन ही लिखी हुई है, तो ये आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। यानी कि इसके बाद मैं ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट कर दूंगा ये पिक्चर आपको समझाने के बाद। तो आए इसको मैं ड्रॉ करता हूँ और तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, यहाँ देखें, मैं यहीं पे इसको समझा रहा हूँ, ड्रॉ नहीं कर रहा। ये देखें, यहाँ पे है यूनिट्स ऑफ गुड्स, यानी कि वो जो यूनिट्स ऑफ गुड्स हमने इस्तेमाल किए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छः, छः यूनिट्स हमने इस्तेमाल किए थे गुड्स के, ठीक है। और ये इनकी यूटिलिटी है, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, मैक्सिमम 12 तक की थी इसलिए ये 12 तक बनाई है। ये देखें, जब पहला यूनिट इस्तेमाल किया था तो उसकी जो यूटिलिटी थी, यूटिलिटी वो थी 6, और जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो भी 6 थी। फिर जब दूसरा यूनिट इस्तेमाल किया तो उसकी जो यूटिलिटी थी वो 10 थी, ठीक है, और जो उसकी मार्जिन यूटिलिटी थी वो 4 थी, ठीक है। इसी तरह जब तीसरा यूनिट इस्तेमाल किया तो उसकी जो टोटल यूटिलिटी थी वो 12 हो गई, और उसकी जो मार्जिन यूटिलिटी थी वो थी 2, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे रिमाइंड करें ज़रा, पहला यूनिट इस्तेमाल किया तो 6 और 6, दूसरा यूनिट इस्तेमाल किया 10 और 4, तीसरा यूनिट इस्तेमाल किया 12 और 2, ठीक है, 12 और 2 याद रखिएगा। ये देखें, तीसरे यूनिट पे जब ये तीसरा यूनिट इस्तेमाल किया टोटल यूटिलिटी 12 हो गई, लेकिन जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो 2 पे आ गई है, ठीक है। फिर जब चौथा यूनिट इस्तेमाल किया तो ये मैक्सिमम 12 पे उसकी टोटल यूटिलिटी आ गई और मार्जिनल यूटिलिटी उसकी 0 हो गई, यानी कि ये पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री है। यहाँ पे जो कंज्यूमर है, जो यूज़र है, उसकी जो नीड है वो सेटिस्फाई, उसकी जो वांट है वो सेटिस्फाई हो गई है। अब देखें, अब उसने पांचवा यूनिट इस्तेमाल किया तो उसकी टोटल यूटिलिटी कम हो गई, जब उसकी टोटल यूटिलिटी कम हुई है, ठीक है, तो ये माइनस में चली गई, -2 में। जब मजीद उसने यूनिट इस्तेमाल किया, मार्जिन यूटिलिटी और कम हो गई, वो मजीद माइनस -4 में चली गई है, ठीक है। तो इस तरह से ये डायग्राम पे आप इसको शो करवा सकते हो, ठीक है। ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, ठीक है, ये हमारी टोटल यूटिलिटी कर्व है, ठीक है, मार्जिन यूटिलिटी कर्व और टोटल यूटिलिटी कर्व, ये आपको यहाँ पे ग्राफ पे डायग्राम में भी मैंने आपको इसको बता दिया है। अब मेरा ख्याल है कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इनिशियल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, सारा मेरा ख्याल है अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम रीड करना शुरू करेंगे और इसको समझना हम शुरू करेंगे हम नेक्स्ट। तो चलें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग
मार्जिनल यूटिलिटी को स्टार्ट करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से। वो कहता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़रूरी लॉ ऑफ कंजम्पशन चीज़ों को इस्तेमाल करने का कानून है एंड इट डिस्क्राइब्स द रियलिटी ऑफ डेली ह्यूमन लाइफ, और ये इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी की हकीकत के बारे में बताता है। व्हेन अ मैन स्टार्ट्स कंज्यूमिंग अ गुड, जब एक इंसान चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू करता है तो शुरू में उसकी जो ख्वाहिश होती है उसको इस्तेमाल करने की वो बहुत ज़्यादा होती है। सो दिस गुड गिव्स हिम अ ग्रेट रिलाइश, और ये जो चीज़ है ये उसको बहुत ज़्यादा लुत्फानंदोज़ करती है शुरू शुरू में। बट एज़ ही गोज़ ऑन कंज्यूमिंग, जैसे जैसे वो इसको इस्तेमाल करता जाता है द यूनिट्स ऑफ गुड्स यानी कि शय की इकाइयाँ, ठीक है, शय के हिस्से, इंटेंसिटी ऑफ हिज़ डिज़ायर डिक्रीज, और उसकी जो शिद्दत होती है जो उसकी डिज़ायर की शिद्दत होती है वो कम होती जाती है। इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में, इट्स यूटिलिटी डिक्रीज, इसकी जो यूटिलिटी होती है वो कम हो जाती है। थस कंटीन्यूस कंजम्पशन ऑफ अ गुड कॉजेज अ डिक्रीज इन द यूटिलिटी, मुसलसल लगातार चीज़ों का इस्तेमाल उस चीज़ की यूटिलिटी में कमी कर देता है। दिस इस रुझान को ऑफ यूटिलिटी की इस कॉल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, इसको इस रुझान को डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल हैज़ डिफाइंड दिस लॉ इन फॉलोइंग वर्ड्स, अल्फ्रेड मार्शल ने इस कानून को इन अल्फाज में बयान किया था। द एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट के जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है विच अ पर्सन डिराइव्स, जो इंसान निकालता है फ्राम एन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक ऑफ अ गुड, चीज़ों के इस्तेमाल पे डिमिनिशिंग कम होता जाता है। जो इंसान जो चीज़ों के इस्तेमाल के ऊपर उसमें से जो फ़ायदा निकालता है वो आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिशिज, वो कम हो जाता है विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक डैट ही ऑलरेडी हैज़। जो वो इस्तेमाल करता जाता ना वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, जो इंसान को एक्स्ट्रा बेनिफिट चीज़ों के इस्तेमाल के ऊपर मिल रहा होता है वो कम हो जाता है जब इंसान उसको उसकी यूनिट्स को ज़्यादा इंक्रीज यानी कि उसकी यूजेज को ज़्यादा करता जाता है। ठीक है, बाकी इसको आप एग्जांपल से समझेंगे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। वो आपने, आपको पता है ना कि पहला यूनिट किया था तो 10 था, ठीक है, 10 के बाद दूसरे, पहले यूनिट पे 6 था, दूसरे पे 10 था, तीसरे पे 12 था, चौथे पे 12 था, अब यहाँ तक ठीक था, यहाँ पे उसकी सेटिस्फेक्शन पूरी हो गई थी। लेकिन अगर वो इसमें से बढ़ेगा, यही उसने बात की है कि जब वो इससे भी बढ़ेगा ना तो फिर उसकी ये यूटिलिटी कम हो जाएगी, यही बात अल्फ्रेड मार्शल ने यहाँ पे की है। ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर चैपमैन ने कहा द मोर क्वान्टिटी ऑफ अ गुड्स यू हैव, जिस चीज़ की क्वान्टिटी आपके पास ज़्यादा होएगी द लेस डेरियस यू विल बी फॉर मोर इंक्रीज इन इट, और उसके लिए आपकी उतनी ही डिज़ायर जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, जिस चीज़ की क्वांटिटी आपके पास ज़्यादा होएगी उसकी जो आपकी ख्वाहिश है वो उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है जी, चैपमैन के मुताबिक जो चीज़ आपके पास ज़्यादा होएगी उसकी डिज़ायरियस जो है वो डिज़ायरियस आपकी उतनी ही कम होती जाएगी। अच्छा, उसके बाद इसकी है एक्सप्लेनेशन बाय एन एग्जाम्पल, उसकी एक्सप्लेनेशन है एग्जाम्पल के ज़रिए। आ जाएँ एग्जाम्पल पे, आ जाए, वही सेम एग्जाम्पल है, बस यहाँ पे उसने मैंगो लगा दिया है। ठीक है, वो कहता है कि जी सपोजिंग, फ़र्ज किया डैट अ मैन स्टार्ट्स ईटिंग मैंगोज़, फ़र्ज किया कि एक आदमी मैंगोज़ खाना शुरू करता है। ठीक है, फ़र्ज किया कि एक आदमी मैंगोज़ खाना शुरू करता है, जो उसने पहला मैंगो खाया उसके ऊपर उसकी यूटिलिटी आई 6 और उसकी मार्जिन यूटिलिटी आई 6, फिर उसने दूसरा मैंगो खाया उसकी यूटिलिटी आई 10, दूसरी जब 10 आई तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी हो गई 6। ठीक है, यानी कि वो इसका डिफरेंस निकालेगा, 10 माइनस 6 करेगा, ठीक है, तो ये 4 आ जाएगी। ठीक है, ये 4 आ गई, फिर तीसरे पे उसको इसकी यूटिलिटी मिली 12, जब 12 मिली तो 12 माइनस 10 उसकी मार्जिन यूटिलिटी हो गई 2। ठीक है, यही उसी तरह से ये है, इसको पढ़ते हैं हम। ठीक है, वो कहता है कि जी सपोजिंग डैट अ मैन स्टार्ट ईटिंग मैंगोज, मैंगोज खाना शुरू किए, जब उसने ही ईट्स सेकेंड में, जब उसने दूसरा मैंगो खाया इस्ट द इंटेंसिटी ऑफ हिज डिज़ायर्स डिक्रीज, तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर जो है वो कम होना शुरू हो गई। ठीक है, यानी कि ये देखें, पहले जो उसकी मेजॉरिटी वो 6 है, 6 से वो 2 हो गई, यानी कि ये डिज़ायर कम हो रही है, फिर 2 है, फिर ये 0 हो गई। यही बात उसने की है कि जब उसने दूसरा मैंगो खाया, ठीक है, तो
पहले के मुकाबले में उसकी इंटेंसिटी जो है ना ऑफ डिज़ायर कम हो गई, देयरफॉर हिज यूटिलिटी डिक्रीज, इसलिए उसकी यूटिलिटी कम हो गई, 6 से वो 4 हो गई। उस यहाँ पे वो यही बात कर रहा है, मार्जिन यूटिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। व्हेन ही ईट फोर्थ मैंगो, जब उसने चौथा आम खाया, हिज डिज़ायर इज़ फुली सेटिस्फाइड, उसकी डिज़ायर बिल्कुल फुली सेटिस्फाइड, ये 0 हो गई, ठीक है, उसकी इज़ फुली सेटिस्फाइड, देन मार्जिन यूटिलिटी बिकम 0, और मार्जिन यूटिलिटी 0 बन गई। इफ़ ही ईट्स मोर मैंगो आफ्टर फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज डिज़ायर, अगर वो अब सेटिस्फेक्शन डिज़ायर को सेटिस्फाई करके अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के बाद मजीद मैंगो खाएगा, भूख को मिटाने के बाद मजीद मैंगो खाएगा, तो मार्जिन यूटी विल बिकम नेगेटिव, तो मार्जिन यूटी नेगेटिव बन जाएगी, ठीक है। यही बात उसने इसमें की है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द टेबल, अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, द मोर मैंगोज द कंज्यूमर ईट्स द लेस मार्जिन यूटिलिटी बिकम्स, ठीक है, उसकी यूटिलिटी उतनी कम होती जाती है, ठीक है। जितने ज़्यादा वो मैंगो खाता जाएगा, 6 है, फिर दूसरा 4 हो गई, फिर तीसरा 2 हो गई, चौथे पे 0 हो गई, पांचवे पे माइनस हो गई, छठे पे -4 हो गई, वो यही बात की है इसने। अकॉर्डिंग टू दिस टेबल मोर मैंगोज द कंज्यूमर ईट्स, जितने ज़्यादा वो मैंगो खाएगा, पहला दूसरा तीसरा, जितने ज़्यादा वो मैंगो खाएगा, दस मार्जिनिटी बिकम, मार्जिनिटी उतनी ही कम होती जाएगी। एट फोर्थ मैंगो मार्जिन यूटिलिटी बिकम्स 0। यूटिलिटी क्या कह के जो है ना, अब जुबान भी नहीं आ रहा, यूटिलिटी को मैं पता नहीं क्या क्या पढ़ता जा रहा हूँ। अच्छा, तो कह रहा है कि एट फोर्थ मैंगो मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0, ठीक है, फोर्थ मैंगो पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई है। इट इज ये क्या वर्ड है, सेटियट, इसको भी देखते हैं, ST, सेटियट का मतलब सेटिस्फाइड ही होना है, फिर भी हम देख लेते हैं गूगल ट्रांसलेटर, ST सेटियट, सेटियट सेटियट पॉइंट, सेटिस्फाइड पॉइंट ही होएगा, सेटियट, ठीक है, सेटाइटी है, नॉट सेटियट, सेटाइटी, सेटाइटी, सेटाइटी पॉइंट, ठीक है, इट्स अ सेटाइटी पॉइंट बिकॉज नाउ द डिजायर ऑफ अ कंज्यूमर फॉर मैंगोज इज सेटिस्फाइड, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन है, सेटाइटी का मतलब है, सेटाइटी का मतलब है कि पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है, यहाँ पे उसकी जो मैंगोज की खाने की जो उसकी वॉन्ट है, जो उसकी डिज़ायर है, वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गई है, और मार्जिन यूटिलिटी बिकम 0, और मार्जिन यूटिलिटी उसकी 0 हो गई है। आफ्टर ईटिंग मोर मैंगोज एज द ऑन 5th and 6th मैंगोज, मार्जिन यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, -2 and -4 respectively, ठीक है, यानी कि -2 हो गई और -4 उसकी मार्जिन यूटिलिटी, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि मार्जिन यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि पांचवें का -2 है और छठे का -4 है, यानी रिस्पेक्टिवली का वर्ड होता है कि वो पिछली लाइन के साथ वो मिला रहा होता है, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन बाय डायग्राम कर लेते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन बाय डायग्राम मैं कर दूंगा यहीं पे, लेकिन ये पैराग्राफ आपने खुद पढ़ लेना है कि वो इसमें क्या कह रहा है, जो मैं बताऊंगा वो वही बातें उसने इसमें की हुई हैं, ठीक है, ये देखें, सबसे पहले इसको मैं कम करता हूँ थोड़ा सा, ताकि वो टेबल भी साथ आ जाए इसमें, यहाँ पर देखें, ये फर्स्ट मैंगो, ये फर्स्ट मैंगो, ठीक है, वेट करें, कॉल सुनूं। अच्छा, ये देखें, जब उसने पहला मैंगो खाया तो उसकी यूटिलिटी आई टोटल 6, ठीक है। अच्छा, फिर उसने, अच्छा इसमें उसने यूटिलिटी को नहीं मेंशन किया, इसने उसने सिर्फ मार्जिन यूटिलिटी कर्व बनाई हुई है, जो हमने लास्ट पढ़ी थी उसमें मार्जिन यूटिलिटी भी की भी कर्व थी, ठीक है, लास्ट टॉपिक में, और उसमें टोटल यूटिलिटी की भी कर्व थी, तो इसमें उसने सिर्फ मार्जिन यूटिलिटी की कर्व बनाई हुई है। तो ये देखें, पहले मैंगो खाया तो उस पर आ गई 6 मार्जिन यूटिलिटी, ठीक है, ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। दूसरा मैंगो खाया तो मार्जिन यूटिलिटी कर्व होगी 4, ठीक है, ये देख रहे हैं 4। तीसरा मैंगो पे ये हो गई 2। चौथा मैंगो खाया, वहाँ पे ये हो गई 0, मार्जिन यूटिलिटी 0 हो गई, यानी कि सेटिस्फेक्शन पूरी हो गई। उसके बाद अगर पांचवा खाएगा तो वो -2 पे चली गई, और छठा खाया जब उसने मैंगो तो वो मार्जिन यूटिलिटी -4 पे चली गई। यही चीज़ उसने डायग्राम के अंदर जो है ना वो शो करवाई हुई है। यहाँ पे मैंगोज़ हैं, यहाँ पे मैंगोज़ हैं, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, 2, यानी कि जो मैक्सिमम है वो है यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम 6 है और मिनिमम -4 है, ठीक है, तो -4 से लेके उसने 6 तक जो है वो इसमें
बनाया हुआ है ग्राफ के अंदर। तो इस लाइन के अंदर भी उसने ये जो मैंने आपको बातें बताई है ना, इसमें भी उसने वही बात की या सेम सेम, ठीक है। इसको क्या हो गया, अच्छा ये नहीं होगा, ये ऐसे होगा। अच्छा तो यही बातें उसने की हैं, इसको आप पढ़ लें। अच्छा उसके बाद है अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं अभी। अच्छा अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अजम्पशंस का मतलब होता है कि ये चीज़ें जो हैं ना, ये इसमें अजम्पशंस जो हैं, ये इसका मतलब था मफरूज़े, ये चीज़ें जैसी हैं ना ये ऐसी रहनी है, यानी कि इनको फॉलो करना ही करना है, सूटेबल क्वांटिटी है तो इसको फॉलो करना है। अगर आपने मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी को अप्लाई करना है ना, तो आपको ये वाली अजम्पशंस को अप्लाई करना है, अपनी मकैनिकी जो है ना वो नहीं दरमियान में घुसानी, ठीक है। अजम्पशन का मतलब ये होता है, अजम्पशन का मतलब क्या होता है, ये मफरूज़े हैं और इनको ऐसे ही फॉलो करना है अगर आपने ये लॉ कहीं अप्लाई करना है। तो ये क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं उनको हम पढ़ते हैं बारी बारी। सबसे पहला पॉइंट है सूटेबल यूनिट, के यूनिट सूटेबल होना चाहिए। द क्वांटिटी ऑफ अ गुड विच इज सपोज टू बी यूनिट शुड बी सूटेबल, इट मीन्स इट शुड बी नैदर टू बी मच आर नॉर लेस। फॉर एग्जाम्पल अ ग्लास ऑफ वाटर इज अ सूटेबल यूनिट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो यूनिट लिया हुआ है ना, ये सूटेबल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आधा गिलास है, फिर पौना गिलास है, फिर डेढ़ गिलास है, फिर चार गिलास है, तो ये एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास, चार गिलास, ठीक है। एक मैंगो, दो मैंगो, दूसरा मैंगो, तीसरा मैंगो, यानी कि ये यहाँ पे भी एक मैंगो है, यहाँ पे भी एक मैंगो है, दूसरे पे भी एक मैंगो। ये नहीं है कि यहाँ पे एक मैंगो है, यहाँ पे चार मैंगो है, यहाँ पे छः मैंगो है, नहीं। यानी कि जो कंजम्पशन का यूनिट है ना, वो यूनिट सेम होना चाहिए। एक मैंगो, एक मैंगो, आधा मैंगो नहीं, एक मैंगो, ठीक है। एक एक एक, यानी कि यूनिट ऑफ कंजम्पशन जो है ना, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, बस मैं आपको बताता जाऊंगा। कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस कंजम्पशन, कॉन्टीन्यूअस कंजम्पशन क्या क्या मतलब है। कॉन्टीन्यूअस कंजम्पशन का मतलब ये है कि जब ये एक मैंगो कंज्यूम किया है ना, तो साथ ही दूसरा मैंगो खाना है उसी टाइम, फिर तीसरा खाना है, ठीक है, फिर चौथा खाना। ये नहीं होना कि एक मैंगो मैंने अभी खाया है तो दूसरा मैंगो मैं शाम को, एक पानी का गिलास मैंने अभी पिया है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी मेरी आई 6, ठीक है, और दूसरा मैंगो मैंने, दूसरा जो पानी का गिलास है वो मैंने दोपहर को 12 बजे पिया है, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हो सकता है यहाँ पे 14 आ रही हो, क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद मैं कहीं बाहर चला गया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो, तो तब आके उसकी यूटिलिटी चेंज हो जाएगी। तो ये नहीं करना, यहाँ पर जब आपने ये लॉ अप्लाई करना है, तो ये कंजम्पशन करते हुए जो उसके दरम्यान में टाइम है ना, वो टाइम कंटिन्यूस कंजम्पशन होनी चाहिए, उसके दरम्यान में गैप नहीं होना चाहिए। इसने यहाँ पर भी यही एग्जाम्पल दी है, सपोजिंग डैट अ मैन ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर इन इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग एंड द सेकेंड इन द आफ्टरनून, तो ये काम नहीं करना, उसी टाइम ये कंटिन्यूस कंजम्पशन होनी चाहिए, ठीक है, इसमें ये नहीं होएगा। अच्छा उसके बाद है इक्वल यूनिट्स, ठीक है। इक्वल यूनिट्स का मतलब ये है, दिस लॉ प्रूव टू बी ट्रू इफ ऑल द कंज्यूम यूनिट्स आर द सेम नेचर बाय ऑल रिस्पेक्ट्स, ठीक है। देर शुड नॉट बी डिफरेंस इन देयर फीचर, इफ अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर इज ड्रंक आफ्टर ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ सिंपल, देन द यूटिलिटी विल बी इंक्रीज इंस्टेंट ऑफ डिक्रीजिंग, ठीक है। यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर पहला ग्लास मैंने यहाँ पे गर्म पानी का पिया है, तो दूसरा गिलास भी मैंने गर्म पानी का ही पीना है, ठीक है, तीसरा गिलास भी गर्म पानी का पीना है। ये नहीं करना कि यहाँ पे ठंडा गिलास पिया, एक एक गिलास पिया, यहाँ पे गर्म गिलास आधे पानी का, ऐसा नहीं करना, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो आप यूनिट्स यूज़ कर रहे हो ना, वो यूनिट्स सेम होने चाहिए, फीचर्स के हिसाब से भी, क्वांटिटी के हिसाब से भी, हर लिहाज से, ठीक है। फिर नो चेंज इन कंज्यूमर मेंटल कंडीशन, ठीक है, कि कंज्यूमर की मेंटल कंडीशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने पहला मैंगो खाया, ठीक है, उसके बाद मुझे आगे किसी ने, अभी मैं दूसरा मैंगो खाने ही लगा था, तो किसी ने मुझे आगे बता दिया मैंगो खाने से तो बंदे को फालिज हो जाता है, मैंगो खाने से बंदा पागल हो जाता है, तो वो मेरी मेंटल कंडीशन चेंज हो गई, ठीक है। तो फिर अगर मैं मैंगो खाऊंगा ना, तो उसके रिजल्ट्स कुछ और ही आएंगे। तो ये है कि जब ये वाला अगर लॉ आपने कहीं अप्लाई करना है, तो उसको कंजम्पशन के दरमियान इस तरह की कोई चीज़ जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मेंटल कंडीशन में किसी तरह की भी कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उसने यही बात की है, उसने कहा है
के फॉर एग्जाम्पल इफ अ मैन रिमेंबर्स वाइल ईटिंग मैंगोज डैट डॉक्टर हैज सजेस्टेड हिम यूजफुल फॉर हेल्थ, ठीक है, अगर अगर उसको याद आ जाए कि डॉक्टर ने कहा था कि मैंगो तो बड़े अच्छे होते हैं, देन ही विल ईट मैंगोज विद मोर रिलैश, तो वो फिर और मजे के साथ खाएगा चस्के लेके, ठीक है, और इन दिस वे यूटिलिटी विल इंक्रीज इंस्टेड ऑफ डिक्रीज, इससे उसकी यूटिलिटी और बढ़ जाएगी। अब देखें, पहला मैंगो खाया, नॉर्मल खा लिया, ठीक है, उसके बाद मुझे याद आया वो डॉक्टर ने कहा था इसके तो बड़े फायदे हैं, तो मैं फिर और मज़े के साथ खाऊंगा, जब और मज़े से खाऊंगा तो वो यूटिलिटी कम नहीं होगी, वो यूटिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, इसमें एक जो पॉइंट है फिफ्थ, वो ये है कि कंज्यूमर्स इनकम शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है कि कंज्यूमर की जो इनकम है ना वो कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, ये नहीं है कि उसने पहला यूनिट कंज्यूम किया है मैंगो का, ठीक है, और उसके पास उसके बाद जो है ना उसके पास पैसे ही नहीं है दूसरा यूनिट कंज्यूम करने के लिए, तो फिर तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी जो है ना वो वैसे ही तबाह बर्बाद हो जाएगी, उसका कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो इसलिए कि इनकम जो है ना वो उसकी कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। अब पढ़ लेते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, इट इज़ आल्सो नेसेसरी टू प्रूव दिस लॉ, इस लॉ को साबित करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि कंज्यूमर की इनकम कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, क्योंकि परचेजिंग पावर जो है ना वो उसको चेंज कर देगी इसकी इनकम को, ठीक है, चेंजेस विद अ चेंज इन इनकम, ठीक है, बिकॉज द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर आल्सो चेंजेस विद द चेंज ऑफ हिज इनकम, ठीक है, कंज्यूमर उसकी इनकम चेंज हो सकती, कंज्यूमर कंज्यूमिंग परचेजिंग पावर चेंज होगी, परचेजिंग पावर नहीं होगी नया वो मैंगो दूसरा नहीं ले सकेगा, तो कैसे हम चेक करेंगे उसको दूसरा तीसरा चौथा करके, ठीक है, वो अपनी वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता ना, जीरो पे नहीं आ सकता, वो पहले पहला खाएगा, ठीक है, उसकी छः हो गई, ठीक है, तो मार्जिन यूटिलिटी आगे उसकी छः हो गई, ठीक है, मार्जिन यूटिलिटी जब तक ज़ीरो नहीं होगी ना तब तक उसका वो नहीं पूरा होएगा, उसकी बांट पूरी नहीं होएगी, वो सेटिस्फाई नहीं होएगा, उसकी भूख ही ख़त्म नहीं होगी, तो इसलिए वो कहता है कि इनकम जो है ना वो हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहनी चाहिए। फिर उसके बाद है एक्सेप्शंस आर लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, एक्सेप्शंस के ये किन चीज़ों के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता या इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है, वो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। नॉलेज, सबसे पहला पॉइंट है नॉलेज, जो मार्जिनल जो डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है उसके अंदर उसने बताया कि हम जैसे जैसे खुराक कंज्यूम करते जाएंगे, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते जाएंगे ना, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे मार्जिन यूटिलिटी उतनी कम हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ इलम के अंदर नहीं इलम के अंदर नहीं ये होएगी, ऐसा नहीं होएगा कि मैं इलम हासिल करता जाऊँ, दिस लॉ डजेंट अप्लाई ऑन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, इलम हासिल करने पे ये असूल अप्लाई नहीं होता, इफ़ अ पर्सन एक्वायर्स मोर एंड मोर नॉलेज हिज डिज़ायर फॉर नॉलेज इंक्रीज इन स्टैंड ऑफ डिक्रीजिंग, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा इलम हासिल करता जाएगा तो उसकी इलम हासिल करने की जो जो उसकी शिद्दत है वो कम नहीं होएगी बल्कि बढ़ती जाएगी, ठीक है, इंक्रीज होएगी इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, ठीक है। हाउ एवर अबाउट द स्टडी वी कैन से दैट अ पर्सन गेट्स बोर एट अ सर्टन स्टेज, इन अदर वर्ड्स इट इज़ मार्जिन यूटिलिटी बिकम जीरो, ठीक है, कुछ टाइम वो बोर हो जाएगा, उसकी मार्जिन यूटिलिटी की जीरो मार्जिन यूटिलिटी जीरो हो सकती है लेकिन नेगेटिव या उससे कम नहीं हो सकती, तो नॉलेज के ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होता, ज़्यादा से अगर मैं इसको ज़्यादा हासिल करता जाऊँगा वहाँ पर उस सूरत में जब हम ज़्यादा इस्तेमाल करते जाते हैं ना ज़्यादा करते जाते हैं तो फिर बाद में कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन इलम कम नहीं होगा, इलम बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। दौलत, वेल्थ एंड दौलत, दौलत भी यही है, इसको मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा, मैं बस इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, दौलत के अंदर ये है कि मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाता जाऊँगा, एक रुपया, दो रुपये, तीन रुपये, चार रुपये, पाँच रुपये बढ़ता जा रहा हूँ, तो बढ़ने से कमी नहीं होएगी, जैसे वहाँ पर होती है ना कि वहाँ बढ़ता है तो कम बाद में कम होना शुरू होता है, यहाँ पर वो चीज़ अप्लाई नहीं होएगी, ठीक है। बाकी आप इसकी लाइंस पढ़ लेना, हिस्टोरिकल आर्टिकल्स, ठीक है, हिस्टोरिकल आर्टिकल्स को देख लेते हैं, हिस्टोरिकल आर्टिकल्स के अंदर इसने क्या है, यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया कॉइन्स की, के फॉर एग्जांपल ओल्ड कॉइन्स एंड स्टैम्प कलेक्टिंग इज़ द हॉबी ऑफ सम पीपल, दे विश टू अचीव मोर एंड मोर कॉइन्स, या ये नहीं होएगा कि एक हासिल किया, दो किया, तीन किया, चार किया, तो बाद में माइनस होना या जीरो होना नहीं शुरू होगा, वो बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता, ठीक है। इसी तरह कुछ लोग होते हैं उनको अपनी पर्सनैलिटी शो करने का बड़ा शौक होता है, ठीक है, तो वो जितनी भी चीज़ें जो है ना वो कॉस्मेटिक्स, ये इसने लिखा हुआ है, वो जितनी भी चीज़ें द डिज़ायर ऑफ गेटिंग आर परचेजिंग कॉस्मेटिक आर फैशन आर्टिकल आल्सो इंक्रीज इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, ठीक है, वो शो ऑफ करने के लिए जो चीज़ें खरीदते जाएंगे, ठीक है, कपड़े, मेकअप, ये वो चीज़ें खरीदने से वो कम नहीं होंगी, वो बढ़ेंगी,
ठीक है, वो कम नहीं होएगी, जैसे खाने से बाद में वो कम होना शुरू हो जाती है ना मार्जिन यूटिलिटी, तो यहाँ पे वो कम नहीं होएगी, वो उनकी डिज़ायर बढ़ती जाएगी। ठीक है कि मैं और करूँ, मैं और खूबसूरत हो जाऊँ, मैं और हो जाऊँ, मैं और अच्छे कपड़े पहनूँ, तो ये चीज़ इसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होती। ड्रग्स एंड नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड नारकोटिक्स पर भी ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। इसमें भी ये नहीं होता कि मैंने चर्स पीना शुरू किया है तो मैं पीता जाऊँगा, एक सिगरेट पिया, दो सिगरेट पिया, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, तो वो कम नहीं होएंगे, वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये वाला गुनून जो है ना इसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता। दिस लॉ कैन ऑल्सो नॉट बी अप्लाइड ऑन ड्रग्स एंड नारकोटिक्स, ओपियम, हरोइन, ठीक है, ओपियम, हरोइन, हरोइन, हरोइन पता नहीं क्या है, जो भी है, हरोइन है। अच्छा, बिकॉज द मोर अ पर्सन यूज ड्रग्स द ग्रेटर अर्ज ही फील्स फॉर देम, जितना ज़्यादा वो करेगा उसको उतनी तलब लग जाएगी और वो उतना ही इस्तेमाल करेगा, कभी भी उसकी तलब नेगेटिव या जीरो में नहीं जाएगी। तो ये एक्सेप्शंस थी इसमें, ठीक है, जो हमने अभी रीड किए हैं। नेक्स्ट आगे कुछ और पॉइंट्स हैं, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, इसको देख लेते हैं जी इसमें वो क्या है। सबसे पहले है जी गाइडेंस फॉर कंज्यूमर, अ कंज्यूमर कंपेयर्स द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी विद इट्स प्राइस, व्हेन ही परचेजेस इट ही परचेजेस ओनली द क्वांटिटी एट विच इट्स मार्जिन यूटिलिटी इज इक्वल टू इट्स प्राइस। ठीक है, यानी कि वो ये कह रहा है कि जो कंज्यूमर होता है ना वो जब भी कोई चीज़ कोई कमोडिटी परचेज करता है ना तो वो उसकी प्राइस के हिसाब से करता है। ठीक है, तो वो कहता है कि इसकी जो प्राइस है उस प्राइस की उतना ही मुझे उससे ज़्यादा उससे फ़ायदा हासिल होएगा। ठीक है, एंड ही परचेजेस ओनली डैट क्वांटिटी एट विच इट्स मार्जिन यूटिलिटी इक्वल टू इट्स प्राइस। ठीक है, यानी कि उसकी कोशिश होती है कि वो जितने पैसे खर्च करता है ना उस पैसे के अंदर उसको उतना ही फ़ायदा उसको यानी कि मिले, उतना ही उस चीज़ को खरीद किए उस पैसों जितना ही उसको फ़ायदा मिलना चाहिए। यानी कि ये हमें कंज्यूमर को गाइड करना चाहिए कि वो जब भी कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं ना उस चीज़ परचेज़ करते हुए ये मेक श्योर करें कि उसके अंदर से उनको उतनी ही यूटिलिटी मिलेगी जितने के वो पैसे खर्च कर रहे हैं। ये कंज्यूमर को हम गाइड करेंगे, भाई आपने ये चीज़ इस तरह से करनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाएँ बेसिक लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, द बेसिक लॉ ऑफ डिमांड इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when the purchase quantity of the good increases, ठीक है, जब purchase quantity of good increase its margin utility decrease, ठीक है, जैसे ये वही बात आ गई है कि जितनी ज़्यादा वो चीज़ें खरीद लेगा ना उसकी मार्जिन यूटिलिटी उसको बाद में उतनी कम होएगी। जैसे वो हमने वहाँ पे चैपमैन की डेफिनेशन पढ़ी थी शायद, वो कहता था कि जौन सी क्वान्टिटी जिस चीज़ की क्वान्टिटी ज़्यादा आपके पास होएगी उसके लिए उतनी आपकी जो डिज़ायर है उतनी कम हो जाएगी। तो इसमें भी उसने यही बात की है, when the purchase quantity of goods increase, जब purchase quantity of goods बढ़ जाएगी तो इसकी marginal utility जो है वो कम हो जाएगी, therefore consumer want to purchase more units of goods in case its price falls, ठीक है, this is law of demand। जब और इसमें इसने दूसरी बात एक price की कर दी है, ठीक है, कि जितना और ये वाला काम वो कब करता है, ये वाला वो काम तब करता है जब प्राइस उसकी कम हो जाती है। ठीक है, जब किसी प्रोडक्ट कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है तो उसकी जो है ना वो सेलिंग ज़्यादा हो जाती है, जब सेलिंग उसकी ज़्यादा होएगी तो फिर उसकी जो है ना वो यूटिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, उसका यानी कि वो उससे बोर भी होना शुरू हो जाएगा। ये बेसिक लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड यही है कि जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है, जब किसी चीज़ की डिमांड कम होती है तो उसकी प्राइस भी कम हो जाती है। ये लॉ ऑफ डिमांड, यही बात उसने इसके अंदर की है। ठीक है, उसके बाद गाइडेंस ऑफ टैक्सेशन, दिस लॉ हेल्प्स टू फाइनेंस मिनिस्टर इन टैक्सेशन। ठीक है, वेल्थ हैज़ लेस यूटिलिटी फॉर द पीपल हु हैव मोर वेल्थ। ठीक है, जो लोगों के पास ज़्यादा दौलत है उनके लिए दौलत की यूटिलिटी कम है। यानी कि एक मैं हूँ, मैं महीने का समझें कि 15,000 कमाता हूँ, एक बंदा है वो महीने का 15 लाख रुपए कमाता है, तो मेरे लिए पैसों की यूटिलिटी ज़्यादा है। जिसकी सैलरी 15 लाख है उसकी उसकी उसके लिए उसकी यूटिलिटी कम है दौलत की। तो ये यही कह रहा है कि गाइडेंस फॉर टैक्सेशन के ये टैक्सेशन के लिए भी गाइड करता है कि जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाओ और जिन लोगों के पास कम पैसा है उनके ऊपर कम टैक्स लगाओ। ठीक है, यही बात उसने की हुई है इन 4-5 लाइनों में, इसको आप पढ़ लें। ठीक है, यही बात उसने किया है कि द रेट ऑफ टैक्सेज शुड बी हायर फॉर रिच। ठीक है, रेट ऑफ टैक्सेज शुड बी हायर फॉर रिच एंड लोअर फॉर द पुअर सो डैट ऑल पीपल शुड बियर इक्वल बर्डन ऑफ टैक्सेज एंड हेल्प इन फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द कंट्री। यही बात उसने की है, जो बात मैंने अभी आपको उर्दू में बताई है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो में हमने लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिन यूटिलिटी से ऊपर जितनी चीज़ें हैं वो हमने पढ़ लेनी है। ठीक है, क्योंकि हमने इस चैप्टर को दो पार्ट्स में कम्प्लीट करना था, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम लॉ ऑफ इक्विटी इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ना शुरू करेंगे। शुक्रिया आपके टाइम का, और
मैं बस यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो क्लास फेलोज़ हैं, उनको भी बता दें, क्योंकि मेरे वीडियोज़ पे व्यूज़ बहुत कम हैं। अगर व्यूज़ कम होएंगे तो मैं मोटिवेट नहीं होऊंगा, तो इसको बस शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने क्लास फेलोज़ को तो ज़रूर बताएं। तो चलें ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी पे हम बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।